अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मदीनतुल मुनव्वरा में और आज हमें भूख ने सताया। तो काफ़ी दिनों से हमारा गुजारा बेक पे चल रहा था, तो बड़ी दिल कर रहा था हमारा कि हम कोई देसी खाना ट्राई करें, कोई पाकिस्तानी होटल ट्राई करें। तो एक अभी इंडियन आंटी मिली, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे करीबी पाकिस्तानी होटल मौजूद है जहाँ से बड़ा सस्ता खाना मिल जाता है। तो हमने कहा वो खाना देखें और आपके साथ भी शेयर करें। तो अभी हम ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं जो कि मरकज़िया के बिल्कुल साथ वाक़ है। तो अभी हम फाइनली पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग को क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ बड़ी तेज़ हवा चल रही है इस टाइम पे। और जिस तरह से पाकिस्तान में आप देखते हैं कि आपको जब भी हनेरी चल रही हो तो शॉपर वगैरह उड़ रहे होते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन वही वाला पाकिस्तानी माहौल हमें मिल रहा है। तो इससे पहले कि आगे हम जाएं तो आपको हम सजेस्ट करेंगे, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस तरह की, ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अभी तक होटल के आसार कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। आंटी ने तो कहा था कि बहुत करीब है। ये एक हमें एक होटल सामने नज़र आ रहा है जो कि लग रहा है कि हमारी डेस्टिनेशन हो सकती है। और ये आ गया हमारे सामने फ़रन तमीज़ अल अम्बरिया के नाम से होटल है और ये तंदूर सा लग रहा है जिसके साथ जो है डिफरेंट डिशेज भी लगता है कि मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या। ये देखें जी, सऊदी अरब की ट्रेडिशनल रोटी जिसको ये तमीज कहते हैं। अभी काफ़ी देर से आप इसका देख सकते हैं, अभी रश यहाँ पे बहुत है और अभी मैं वेटिंग पर लगाया हुआ इन्होंने। ले जी, फाइनली हम खाना लाने में कामयाब हो गए। वैसे मैं आपस की बात बताऊँ, आज अगला दिन चढ़ चुका है, कल हमें वहाँ से ये रोटी वगैरह नहीं मिली थी। तो आज हम सुबह फजर पढ़ के दोबारा वहाँ पर गए और आज रश कम था। कल हम घर काफ़ी खार हुआ तो मैं इसलिए वीडियो का बाकी पार्ट नहीं बना सका और मैंने यही सोचा कि कल दोबारा इसी दुकान को ट्राई करके तो फिर वीडियो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली कामयाबी मिली और आज हमने यहाँ से ऑर्डर की है दाल, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुरा हाल हो गया उसका, क्योंकि वो नीचे पड़ी हुई थी। उसको मैं रखा लिया इसके ऊपर, यहाँ पर रख लेते हैं। इसमें जनाब दाल ऑर्डर की है हमने और चने ऑर्डर किए हैं। तो रोटी का साइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मली आपको रोटी इसी साइज़ की मिलती है। इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में तमीज़ कहा जाता है। तो जिस तरह से एक तमीज़ होता है तो ये तमीज़ नॉर्मली इसको कहा जाता है यहाँ पे। तो अब आपके सामने रखते हैं और इस खाने की प्राइस आप कह लें कि अभी तक हमने जितने भी खाने यहाँ पर खाए हैं वो सबसे कम है। ये आपको खाना, टोटल खाना सारा जिसमें ये दो बड़ी रोटियाँ और दो सालन, ये मिला के खाना की कीमत जो पड़ी है हमें वो 6 रियाल के हिसाब से, 2 रियाल के सालन दो और 1-1 रियाल की रोटी है। ये आप देख सकते हैं रोटी का साइज़। और अब बिस्मिल्लाह पढ़ के, मैं खाना ज़्यादा देर ना की जाए, आगे बड़ी देर कर दी है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। पहले दाल के साथ, ये दाल अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह। जिन्हें देखने में वैसे नहीं लग रहा जैसे आपको पाकिस्तान में मिलते हैं, तो यहाँ के टेस्ट वैसे भी नॉर्मली काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान के टेस्ट से। नाम पाकिस्तानी होटल रखा होता पर यह असल में टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता। नॉट बैड, स्पेशली भूख जब आपको लगी होगी, क्योंकि रात का खाना नहीं खाया हुआ था हमने, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा। चले हम भी फिर अब बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी मुकम्मल करते हैं, आप लोग भी खाने की तैयारी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।